नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव आई सिनेमा आज फिर आपके सामने प्रस्तुत है एक नई रोचक कहानी लेकर। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं एक साहूकार पिता, उसका मूर्ख बेटा और उस मूर्ख बेटे की पत्नी। कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि साहूकार, जिसने जीवन भर खूब मेहनत करके अपना व्यवसाय स्थापित किया था और उस गांव में उसके पास सभी चीजों की बहुत संपन्नता रहती है, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन दिन रात उसको एक चिंता खाई जाती है कि उसके मरने के बाद उसका बेटा अपना जीवन किस प्रकार से संभालेगा, क्योंकि उसका बेटा बहुत नासमझ रहता है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं रहती, इसीलिए साहूकार दिन रात उस विषय में चिंता। कुछ दिन बाद साहूकार की तबीयत खराब रहने लगती है और उसे ये समझ में आ जाता है कि अब उसकी मृत्यु निकट है। इन चीजों को भांप कर साहूकार एक बार अपने पुत्र को बुलाता है और कहता है, बेटा मैं तुझे जीवन के विषय में कुछ सीख देना चाहता हूँ, यदि तुम इन सीखों का अनुशासन के साथ पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन निश्चित तौर पे सफल होगा। सीखों का वर्णन करते हुए साहूकार पिता कहता है कि बेटा तुम पहली सीख अपने मन में कंठस्थ कर लेना, वह कुछ इस प्रकार से है कि काम पर जाए तो छांव में जाना और छांव में ही घर वापस आना। दूसरी सीख बताते हुए साहूकार पिता कहता है कि घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ करवाना, अर्थात बाउंड्री करवाना। तीसरी सीख बताते हुए साहूकार पिता कहता है कि हमेशा मीठा भोजन करना। चौथी सीख, पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। बेटा बड़े जिज्ञासु मन से इन चारों सीखों को सुनता है और कंठस्थ कर लेता है। दुर्भाग्यवश साहूकार की उसी रात मृत्यु हो जाती है और वह स्वर्गवासी हो जाता है। कुछ दिनों बाद सभी चीजें जब सामान्य हो जाती हैं, तो साहूकार का पुत्र अपना जीवन यापन शुरू करता है और व्यापार संभालने की कोशिश करता है। अपने पिता की बताई हुई सीखों को याद करते हुए पुत्र को याद आता है कि पिता ने कहा था कि हमेशा छांव में जाना और छांव में ही वापस आना, क्योंकि घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती, इसीलिए वह मूर्ख पुत्र क्या करता है कि अपने घर से लेके ऑफिस तक पूरा टेंट लगवा लेता है ताकि उसको धूप का सामना ना करना पड़े। पिता की बात याद करते हुए वह अपने घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी की बाउंड्री बनवा लेता है, जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोगों का जीवन नरकी हो जाता है और वह खुद और आस पड़ोस के लोग बहुत परेशान रहने लगते हैं। तीसरी सीख को याद करते हुए वह दिन रात अपनी पत्नी से मीठा भोजन बनवाता है, जैसे हलवा और खीर, और दिन ब दिन बीमार रहने लगता है। एक दिन किसी कारणवश उसकी पत्नी से कोई गलती हो जाती है तो वह इतना क्रोधित हो जाता है कि वह अपनी बीवी को मारने लगता है। मारते मारते उसे अपने पिता की बात याद आती है कि हमेशा पत्नी को बांध कर पीटना। वह रस्सी खोज कर लाता है और अपनी पत्नी को बांधने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसको आश्चर्यजनक नजरों से देखती है कि यह कैसा राक्षस प्रवृत्ति का इंसान बनते जा रहा है। पत्नी क्योंकि अत्यधिक क्रोधित हो जाती है उसका इस प्रकार से व्यवहार देखकर, और वह गुस्से में चिल्ला कर कहती है, रुक जा नासमझ व्यक्ति, तुझे जो पिता ने चार सीखें बताई थी उसका तूने बहुत ही गलत तात्पर्य निकाला है और तूने अपना ही नहीं, मेरा और आस पड़ोस के सभी लोगों का जीवन नरकी बना दिया है। मैं तुझे आज बताती हूँ कि तेरे पिता द्वारा बताई गई सीखों का असली तात्पर्य क्या है। पहली बात, जो तुझे तेरे पिता ने बताई थी कि काम पर छांव में जाना और छांव में ही आना, इसका तात्पर्य यह था कि तुझे काम पर सूर्यास्त के पहले जाना चाहिए और काम से सूर्यास्त के बाद वापस घर आना चाहिए, ताकि तू अपने काम धंधे में इतना व्यस्त रहे कि तुझे बाहरी दुनिया की मोह माया से
कोई मतलब ना हो, लेकिन तूने तो अपने घर से ऑफिस तक टेंट लगवा दिया ताकि तुझे धूप ना लगे। क्या यही था तेरे पिता की उस सीख का उद्देश्य? दूसरी बात मैं तुझे बताती हूँ, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ करवाना, इसका मतलब था तेरे पिता का कि अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना ताकि तेरे घर की सुरक्षा हो सके। लेकिन तूने तो घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी की बाउंड्री बनवा ली, जिससे मेरा, तेरा और आस पड़ोस की सभी लोगों का जीवन नरकी हो गया है। चौथी सीख का जिक्र करते हुए बीवी कहती है कि हमेशा मीठा भोजन करना, इसका मतलब था कि तेरे पिता तुझसे ये कहना चाहते थे कि बेटा तभी तू भोजन करना जब तुझे अत्यधिक तीव्र भूख लगी हो, क्योंकि भूख में रूखा सूखा भोजन भी मिठाई के समान हमें स्वाद करता है। लेकिन तू दिन रात मुझसे खीर और हलवा बनवाता है, जिससे कि तुम्हारा और मेरा दोनों का स्वास्थ्य खराब रहने लगा है। चौथी बात का जिक्र करते हुए पत्नी कहती है कि पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना, इससे तुम्हारे पिता तुम्हें ये सीख देना चाहते थे कि बेटा पत्नी को तब तक नहीं मारना जब तक तुम्हारी कोई संतान ना हो जाए, क्योंकि संतान के बगैर पत्नी जो है स्वतंत्र रहती है और वह किसी भी प्रकार के संबंधों में नहीं बंधती, अपना जीवन यापन करती है, और आप उसकी स्वतंत्रता छीनने की कोशिश करोगे तो वह स्वतंत्र मन से कहीं उड़ जाएगी। इन चारों बातों को तुमने बहुत ही गलत तरीके से लिया और तुमने सभी लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। दोस्तों, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और रहते हैं। पिता ने सिखाया कुछ और बेटे ने सीखा कुछ और। उसकी पत्नी इतने दोनों से मौन थी क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति नासमझ है और उसको समझाने का कोई मतलब नहीं लिखेगा। लेकिन जब पानी सर के ऊपर जाने लगा और बात उसके ही सर पे आ गई, तो क्रोध में उसने इन सभी बातों का पति को समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इस कहानी से अपने जीवन को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। आपका समय कीमती है, बहुत बहुत धन्यवाद इस कीमती समय को हमारे चैनल को देने के लिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएगा इस प्रकार की रोचक कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। थैंक यू।